तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया, उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, मेरे घर पे हमला कर दिया फिर से आके, यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी उनको, कहा कि पकड़ के जेल में डालना है। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। वो आदमी ये नैब का चेयरमैन, ये जो जनरल है, अगर इसने ये ऑर्डर किया और किया इसी नहीं होगा, और इसके हैंडलर्स ने पीछे से इसको कहा होगा, क्योंकि मैं आज तो वो जो पहला नैब के चेयरमैन आफताब सुल्तान जिन्होंने रिजाइन किया, उसने कहा मैं गलत काम नहीं करता, मैं आज उसको सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नैब के जरा लोगों से मिला था, मैं तो मुझे तो अंदाजा नहीं था वो इतना प्रिंसिपल्ड आदमी। ये बेजमीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे एक ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिल होगा, क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं, या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि किसी कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और